भिवानी में नगर परिषद में गड़बड़ झाले का मामला, जहां नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह को गिरफ्तार किया गया। बैंक मैनेजर सहित चार लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने चेयरमैन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो नगर परिषद में गड़बड़ झाले का ये मामला, जहाँ बैंक मैनेजर सहित चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, नगर परिषद में गड़बड़ झाले का मामला, नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, बैंक मैनेजर सहित चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो नगर परिषद में गड़बड़ झाले को लेकर एक खबर सामने आई थी, जिसमें लगातार तफ्तीश जारी है और नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जगबीर घनघस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगबीर, दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, क्या है ये पूरा मामला और कहां तक पहुंची तफ्तीश? जी, पूरा मामला जो है मार्च के जो शुरुआती सप्ताह, उसमें शिकायत दी गई थी कि भिवानी नगर परिषद उसमें करोड़ों रुपए की हेरा फेरी हुई है, जिसके आधार पर पुलिस की इकोनॉमिक सेल जांच कर रही थी। इस पूरे मामले में जो एक्सिस बैंक के मैनेजर है, सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी और तीन अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके जो फर्जी फर्मे थी उनमें करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया था। यानी कि कमीशन के बेस पर 3 करोड़ रुपए देकर उसका 10 या 11 रुपए कमीशन दिया जाता था और बाकी वापस ले लिया जाता था। इन 4 गिरफ्तारी के बाद आज सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो है वो चेयरमैन रण सिंह यादव की हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। और खुद एसपी अजीत सिंह शेखावत ने इसकी पुष्टि की है कि चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया और शाम तक उसको पेश अदालत करके शायद उसको मीडिया के सामने भी पेश किया जाए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कृषि मंत्री जेपी दलाल है, जिन्होंने कहा था कि इस मामले की जो है उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उसका भी असर कह सकते हैं। और पुलिस की जो कार्रवाई उसमें जो तेजी लाई गई है, उसके बाद भी कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में जो है वो हर रोज जो है नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं, नए नए राज खुल रहे हैं। उसी मामले में जो है वो चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई है, जो एक बहुत बड़ा मामला है। अब देखना होगा कि जो चेयरमैन से पूछताछ की जाती है उसमें क्या क्या राज उगल कर सामने आते हैं और किसी बड़े नेता या अधिकारी का नाम भी नहीं आता। जी शुक्रिया जगबीर तमाम जानकारी के लिए। तो बैंक मैनेजर सहित चार लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस पूरे मामले में। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने चेयरमैन की भी गिरफ्तारी की पुष्टि कर डाली।